नमस्कार नमस्कार। अरे भाई नमस्कार, पहचाने हमका? अरे क्या बात करते हो, नहीं पहचाने? अरे हम चालू प्रसाद दी नेता। अरे तिवारी, तुम्हारी बिटिया की नौकरी लगवाए थे, लग गई? अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। अरे मिश्रा, तुम्हारे गांव में लाइट का काम करवाए थे, हो गया? अरे थंकू की क्या बात है, हम तो नेता है, ये हमारा काम है। ए बुड़बक, यहाँ हम बैठेंगे, हम नेता जो है। अबे ओए, हम यम है। मुझे लगा पटना है। अरे भाई बड़ी दुर्घटना है, लेकिन हम यम लोग में। अरे महाराज, इतनी जल्दी काहे बुला लिए? अभी तो हमें जनता की सेवा करनी है, उनके आंसू पोंछने हैं। और घोटाला भाई, हमारी तो कमरिया ही टूट गई। छोटा भर से लाए हो, पहले बताए होते तो उड़न खटोले का इंतजाम करते थे। तो यमराज तेरे लिए टांगा बेला लाएंगे? तो कहा हम टांगा बेला पे आएंगे? नहीं आओगे ना तो पकड़ेंगे और डर के ठूस देंगे। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। अरे महाराज, एमपी बन जाइएगा, मिनिस्टर बन जाइएगा, और इस चितुआ। ओए, क्या कहा? चितुआ चितुआ। अरे भाई चित्रगुप्त लावे, ढंग से बोलो। हाँ हाँ महाराज, मेरा मतलब वही था। इस चित्रगुप्त को एक साल का राशन मुक्त, और इस काले सांड को सिक्योरिटी की नौकरी लगा दूंगा। महाराज, क्यों चित्रू, इसे छोड़ दिया जाए क्या? महाराज मेरी मानो तो छोड़ दीजिए, एक साल का राशन मिलेगा मुफ्त। और एमपी भी तो बनेंगे। पर उसकी बात याद आपको? किसकी? अरे उसकी। अरे किसकी भाई? अरे उसने नहीं कहा था कि नेता की बात पर और गधे की लात पर भरोसा नहीं करते, इसका ऊपर अच्छा है देख सकते है। चलो तो फिर छोड़ ही देते इसे। छोड़ दीजिए। महाराज की बन गए ना बुड़बक, फंस गए मेरे जाल में। अरे हमारा जादू ही ऐसा है, का करे, अब तो घोटाला होगा घोटाला। ए, कहो महाराज। ओए, हमारी पटना की टिकट? हाँ आपकी पटना की टिकट पक्का। और हमारा राशन भाई? आपका राशन भी मुफ्त। और हमारी सिक्योरिटी की नौकरी? सिक्योरिटी की नौकरी भी पक्का। पूरा वसूल करूंगा एक साल का। जा भाई बैठो। महाराज एमपी बनने जा रहे हो पटना के? महाराज इसलिए किया। अरे जब बन जाएंगे ना एमपी तो तुम्हें अपना सेक्रेटरी बना देंगे बिना पगार का, ठीक है? क्या महाराज, यहाँ भी तनख्वाह नहीं देते, वहाँ भी बिना तनख्वाह के रखोगे? अरे तुम क्या करोगे भाई तनख्वाह का, हमारे साथ रहना फिर मौज करोगे क्या महाराज? हेलो हेलो, मुझे कनेक्ट करो, ब्रेकिंग न्यूज है। महाराज ये बदबू कहाँ से आ रही है? अरे बड़ी ही गंदी बदबू है भाई। अरे सेंट चिड़को भाई, उठा दे ले। गांव वालों, मैं आप कैसे आ गया? अरे देखो भाई कहाँ से आ रही है बदबू। महाराज लगता है कॉर्पोरेशन वालों ने गटर का गड्ढा तो खुला छोड़ दिया। अच्छा तो तुम हो मुंसिपालिटी के जिसने गटर का ढक्कन खुला छोड़ दिया और मैं उसमें गिर गया? ए, ये यमलोक है, यमलोक ढक्कन। यमलोक? मैं यमलोक में कैसे आ गया? लीला तुम इन बड़े सिंह वालों के सामने मत नाचना। अबे ओए, हम यम है। अबे हम क्या कोहली से कम है? महाराज महाराज जी, महाराज जी पकड़ लिया। अरे जीते रहो भाई, जाओ यहाँ से। ये क्या कहा महाराज, जीते रहो को आशीर्वाद दे दिया आपने तो। अरे जाने दो चित्रू, वैसे भी यहाँ रह के वातावरण दूषित कर रहा था। तो जाने दीजिए ना महाराज। अरे जाओ। मोटी मोसी, मैं आ रहा हूँ, मैं लीला से ही शादी करूंगा। आप सबने पहली बार देखा यम लोग में स्टिंग ऑपरेशन, उसमें हमने दिखाया
ये हम लोग में हो रही है घपलेबाजी। इस घपलेबाजी का कौन है जिम्मेदार? क्या इसके जिम्मेदार राज है या फिर उनके प्रिय चित्रगुप्त या फिर वो नेता? आप सब अपनी राय हमें SMS कीजिए, हमारा नंबर लिखिए 0000, जिसका आंसर हमें पसंद आया उसको यम लोग में 4 दिन का हॉलीडे पैकेज बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। और देखते रहिए कल तक। नमस्कार। महाराज ये हमारे ही अवलोक में 4 दिन का हॉलीडे पैकेज दे रहा है मुफ्त। अरे कौन था ये इतना बोल रहा था? क्या इसे पता नहीं है यहाँ बोलने का सिर्फ हमें है? महाराज ये था टीवी रिपोर्टर, इसका तो काम ही है बस बकर 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 भाई बस। और हाँ ये समोसा समोसा क्या कर रहा था? समोसा हमेशा खाने की लगी रहती है महाराज। वो कह रहा था SMS सरल मोबाइल संदेश। अब SMS की भी सुनो, ये लोगों से उनकी राय लेते हैं और अपनी प्यार भी बढ़ाते हैं। जहाँ मरे 40 लोग 400 बताते हैं, जहाँ आई बाढ़ वहाँ सुनामी बताते हैं। हद तो महाराज जब होती है मरते हुए आदमी के मुंह में माइक घुस के कहेंगे कैसा लग रहा है आपको। ना बनू भाई। हेलो इसको भाई जा जा। गया महाराज। महाराज 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 कौन हो बेटी? महाराज इसकी तो अभी आयु भी शेष है। और क्या करती मैं ऐसी आयु का, ऐसी नर्क वाली आयु का? इसलिए मैंने अपने प्राण ले लिए महाराज, आत्महत्या कर ली मैंने। पर बेटा तुम्हें पता नहीं है आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है? हाँ महाराज मैं जानती हूँ ये कितना बड़ा अपराध है, पर मुझे 100 जन्म पाकर भी ये अपराध 100 बार करना पड़े तो स्वीकार है। पर ये सब हुआ कैसे बेटी? महाराज मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ महाराज, मुझे हर वो प्यार मिला, हर वो दुलार मिला जो एक पुत्री को मिलता है महाराज। मेरी है दशा तो तब हुई, तब मेरी शादी हुई महाराज। मेरे माता पिता ने मेरी शादी बड़े धूमधाम से की महाराज। उन्होंने मेरे पति को खूब सारा दहेज दिया महाराज, इससे भी उनकी लालसा खत्म नहीं हुई। उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू किया महाराज, और तो और उन्होंने मुझे जलाने की भी कोशिश की महाराज। तब मुझसे सहन नहीं हुआ तो मैंने एक कदम उठाया। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, इस समाज से पूछती हूँ, क्या नारी का कोई अस्तित्व नहीं? क्या पुरुष ही है जो इस समाज को पूज्यता प्रदान करते हैं? नहीं महाराज नहीं, वो नारी ही है जो एक पुरुष को उसकी पूज्यता का एहसास दिलाती है। तुम सही कह रही हो बेटी। चित्रगुप्त जी महाराज, हमारे दृढ़ विज्ञान में आज ही ऐसा लिख दिया जाए कि ऐसा अपराध करने वाले को कड़े से कड़ा दंड मिले। लिख दिया महाराज। धन्यवाद।